तो आज का हमारा विषय रहेगा आंसर टू द केरला स्टोरी, और हमारा जो धर्म है उसको जानने की प्रयास करना अत्यंत आवश्यकता है। तो एक लाइन में बताऊंगा धर्म है कहां पर संसार में अभी तक जीवित है, जिसको हम धर्म कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, वर्चू कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं, आदर्श कहते हैं, चरित्र कहते हैं, वो जनरली भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति में ही है, बाकी धर्म ही नहीं है। जनरली मैं स्टूडेंट्स लोग को प्रश्न करता हूँ, पूछता हूँ कि जो गाय का मांस खाता है, जो गाय को मारता है, जो ब्राह्मण का हत्या करता है, जो वेद शास्त्र का विरोध करता है, जो राम कृष्ण को मानता नहीं है, जो देवताओं को मानते नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं? शास्त्र में लिखा गया उनको क्या कहते हैं? राक्षस। क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं, है कि नहीं? जो परिभाषा हमारा राक्षस का दिया गया है शास्त्र में, वही चीज ये लोग कर रहे हैं। किसका नाम पे? धर्म के नाम पे। एग्जैक्टली वो धर्म नहीं है, विधर्म है। राक्षस का एक्टिविटी कर रहे हैं धर्म का नाम पे, और लोग क्या कर रहे हैं? उसको धर्म मान के जा रहे हैं। तो कन्वर्ट होने का मेन कारण धर्म नहीं है, कन्वर्ट होने का मेन कारण क्या है? मांस खाना। कन्वर्ट होने का मेन कारण क्या है? व्यभिचार करना, भोग करना, शरीर को भोग करना और पशुओं का मांस खाना, कुछ नियम के अनुसार नहीं रहना। लोगों को ये मजा है, इसलिए लोग क्या करते हैं? सनातन संस्कृति को त्याग करके बाकी संस्कृति में जाते हैं। अब जाने जा रहे हो, अनजाने जा रहे हो, अलग बात है, बट इंट्रैक्शन जो आपने किया है वो केरला स्टोरी में देखें। इंट्रैक्शन का क्यों कर रहे हैं लड़कियाँ लड़कों के साथ? मजा चाहिए, ये जनरली प्रॉब्लम है। पिता माता तो गांव में, ये तो हॉस्टल में, और पिता माता ने बचपन से शिक्षा नहीं दिया है। तो मेन चीज भोग का वृत्ति, इसके लिए जनरली कार्य करते हैं, और हमारा धर्म का ज्ञान ही नहीं। तो अनेक क्वेश्चन आया है, उसमें पूछा गया है, उसमें से एक क्वेश्चन हम आज लेंगे। तो उसमें से क्वेश्चन है, केरला स्टोरी का एक क्वेश्चन है, नॉट प्रेइंग गॉड बिफोर ईटिंग इज इट सिन, कि खाने से पहले भगवान को हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। तो उनके धर्म में कहा गया है कि खाने से पहले भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। वो हॉस्टल में वो लड़की प्रार्थना करती है, हिंदू लड़की पूछते हैं, यार क्या करता है ना? मैं प्रार्थना कर रही हूँ। किसको? अपना गॉड को प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि गॉड ने सब कुछ दिया है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारा कल्चर में ये प्रार्थना है, ये रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं। आप लोग करते हो क्या? तो हिंदू लड़की क्या बोलती है? हाँ दादी माँ करते थे, दादाजी करते हैं, हमने देखा था, क्या करते हैं हमें पता नहीं, ये उनका आंसर रहता है। ये लड़की को पता है, लेकिन हमारा जो हिंदू लड़कियां हैं उनको पता नहीं, इस प्रकार के आंसर देते हैं। तो हमारे पास क्लैरिटी होना चाहिए। द मेन प्रॉब्लम है कि हिंदू लड़की हो या लड़का, सीख नहीं पाए कि भगवान को खाने से पहले प्रार्थना करना या नहीं करना। इसका मूल कारण दो जने, सरकार, भारत का सरकार, घर का सरकार। भारत का सरकार के लिए हमारा जो पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो दाई है, और घर का सरकार पिता माता रिस्पॉन्सिबल है। बच्चा सीखा नहीं, घर का सरकार ठीक से काम नहीं कर रहा है। भारत का सरकार ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बहुत आर्गुमेंट हम करते हैं, घर का सरकार काम किया क्या? पिता माता का धर्म बनता है कि आपने संतान को धर्म के बारे में ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि पिता माता इतना सीरियस नहीं है। इवन इस्कॉन में जो आ रहे हैं वो पिता माता भी इतना सीरियस नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। कोई सरकार कभी साथ नहीं देगा जब तक पिता माता साथ नहीं देते।
पिता माता का दायित्व तो है संतान को सिर्फ सिर्फ कुत्ते बिल्ली जैसे पैदा नहीं करना है, संतान को संस्कार देके मानव बनाना है, दानव नहीं बनाना है। हम जब संस्कार देना ही छोड़ देते हैं अपने आप मानव दानव बन जाता है। तो मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात मानव कोई होता नहीं है, दानव चेतना रहता है। इसलिए पिता माता को ये संस्कार देना अत्यंत आवश्यकता है। तो यहाँ पर जितने पिता माता बैठे हैं, आगे जाके पिता माता बनने वाले हैं, उनको मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि धर्म का शिक्षा घर पे प्रतिदिन देना चाहिए। जैसे कि आप आहार के लिए बच्चे को फोर्स करते हो, अन्य कार्य के लिए बच्चे को फोर्स करते हो, वैसे ही फोर्स करना है आपको। फोर्स नहीं करेंगे तो कोई कुछ सीखता नहीं है, बच्चे को प्यार से कोई सिखाता नहीं है। अरे बच्चे को फोर्स कैसे हम कर सकते हैं? स्कूल जाने के लिए आप फोर्स करेंगे, शादी करने के लिए आप फोर्स करेंगे, हॉस्पिटल लेने के लिए फोर्स करेंगे, हर कार्य में फोर्स करेंगे, लेकिन ये कार्य में क्यों नहीं फोर्स करेंगे? फोर्स करना ही है, मारना पिटना और करना ही है। आप कहेंगे धर्म हिंदू संस्कृति का ये चीज मानो, तो आजकल लड़के लड़कियां मानते नहीं है, तो पिता माता चुप बैठ जाते हैं, मंदिर चलो नहीं जाएंगे, ये पहनो वो पहनो नहीं पहनेंगे, ये खाओ वो खाओ नहीं खाएंगे, मानते नहीं है। लेकिन वो लड़का लड़की जब कन्वर्ट हो जाते हैं, अन्य क्षेत्र अन्य कल्चर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों? टेंट पहन के घूमते हैं, काला टेंट पहन के कैसे घूमे? यहां पर तो घूंघट डालने के लिए शर्मा रहे थे, साड़ी पहनने के लिए शर्मा रहे थे, है कि नहीं? मूछ दाढ़ी रखने के लिए शर्मा रहे थे, और वहां पर जाके किसी काला टेंट पहन के घूम रहे हैं, जाके प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनके प्रार्थना स्थली में जाकर। ऐसा कैसे हो गया? सेम पर्सन ना, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन मूल कारण क्या है? वहां पर फोर्स है, यहां पर फोर्स नहीं है। तो पिता माता से हमें फोर्स आना चाहिए। पिता माता से फोर्स आएगा तो संतान करेगा नहीं, किधर जाएगा? खाना बंद कर दो एक दिन, जप माला किया नहीं तो खाना बंद करने का, फॉलो नहीं कर रहे हैं तो खाना बंद करने का। फोर्स करना अत्यंत आवश्यकता है। चलेगा ऐसा नहीं चलेगा, बाद में आपको छोड़ के वो चला जाएगा। अभी ऐसा सिचुएशन है, 15-20-30 साल के बाद क्या होगा किसको पता नहीं है। इसलिए ये ट्रेनिंग देना अत्यंत आवश्यकता है। छोटे बच्चे नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, जप नहीं करेंगे, संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। बच्चे हैं वो लोग, क्या पिता माता भी बच्चे हैं क्या? पकड़ के ले जाना उनका काम है। स्कूल नहीं जाता है तो मारते हैं, ट्यूशन नहीं जाता है तो मारते हैं, वैसे मंदिर नहीं जाता है तो क्यों नहीं मारते हैं? मारना आवश्यक है। तो फोर्स जहां पर है वहां पर जनरली कोई अच्छा बात को मानता है। बुरे कार्य करना, गलत कार्य करना मन से सब लोग करते हैं, इसलिए फोर्स की आवश्यकता है। तो स्पेशली मैं तो दो लोगों को दोष दूंगा, एक है भारत का सरकार और एक है घर का सरकार। घर में भी होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है दोनों, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? क्या कपड़ा धोने के लिए प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर है क्या? बर्तन साफ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर है क्या? घर साफ सिर्फ करते रहेंगे जीवन भर, बच्चे का दिमाग कौन साफ करेगा? बाहर वाले साफ करेंगे। तो ये पिता माता का धर्म है, प्रभु जी होता नहीं, सुनते नहीं, नहीं चलेगा। जब तक ये सरकार काम नहीं करेगा, घर का सरकार, तो भारत का सरकार काम करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए घर का प्राइम मिनिस्टर, घर का जो होम मिनिस्टर है, उन लोग को स्ट्रांग बनाना है। हम बोलते हैं हमारा सरकार स्ट्रांग होना चाहिए, आप तो घर का सरकार है ना,
ये सरकार तो 5 साल के बाद हट जाएगा, नहीं आप तो परमानेंट सरकार है, आपका पद परमानेंट है, आपका प्रजा भी परमानेंट है। वो पद को यूज कर प्रजा को ठीक करने के लिए, अदरवाइज ऐसे ही हम रहते रहेंगे। आग लग चुका है बहुत जगह पे, हमारा घर में पहुंचा नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं आग हमारा घर में नहीं है, इसलिए आराम से सोएंगे। ऐसा समय होता कश्मीर में लोग सो रहे थे, लेकिन उधर आग अभी लगा ऐसा कि सब कुछ जल गए, 5 लाख हिंदू स्थानांतरित हो गए। क्यों ऐसा हुआ? आज हर स्थान में एक एक जगह पर आग लग चुका है, हमारा घर पे पहुंचने वाला है। इसीलिए पिता माता को ये सीरियसली लेना पड़ेगा। बिठाओ जैसे खाना खाते टाइम बिठाते हो सामने और खाते हो साथ में, वैसे जप करने के लिए बिठाओ, वैसे गीता पढ़ने के लिए बिठाओ, वैसे शास्त्र पढ़ने के लिए बिठाओ, ऐसे प्रवचन में फोर्सफुली लेने के लिए प्रयास करो, लेना लेके आने के लिए प्रयास करो, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। ये अत्यंत आवश्यकता है, ये भी एक शासन है। ये शासन को हम अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये आवश्यकता है, और ये क्लैरिटी के साथ हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना है, स्पेशली पिता माता। बच्चे लोग नहीं सुनेंगे, मेरा एक्सपीरियंस है बच्चे लोग नहीं सुनेंगे, कि पिता माता जब चाहेंगे होगा। कोई कोई पिता माता ऐसे हैं कि बच्चा आना भी चाहता है उनको भेजते नहीं प्रोग्राम में, हरे कृष्णा प्रोग्राम, उधर मत जा, घर बार छोड़ देगा, टकला बन जाएगा, ब्रह्मचारी हो जाएगा, पूछेंगे नहीं। अभी का जमाना ऐसा नहीं, इस प्रकार हम सोचते हैं, और बाद में वो बेटा क्या करता है, अपना पिता माता घर से निकाल देता है। तो इस प्रकार सिचुएशन भारत में है, इसका कारण है ये दो सरकार। इसलिए ये शिक्षा पिता माता का देना अत्यंत आवश्यकता है। आप देंगे तो बड़े होके वो अपने परिवार को इस प्रकार का शिक्षा देंगे, परंपरा ऐसा चलता रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जितने पिता माता है, फोर्स कीजिए अपने संतान को, बिठा के क्या करना है, संस्कृति का शिक्षा देना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये संस्कृति का शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो हम पिता माता होने का धर्म ही नहीं निभा रहे। खाना पीना देना ये तो साधारण दायित्व है, हम अपने आप को सक्सेस मानते हैं कि खाना दे दिया, पीना दे दिया, सोने के लिए बस थोड़ा जगह दे दिया, एजुकेशन है, करियर बना दिया, करना है ये सब, क्योंकि संस्कार ही नहीं देंगे, रामकृष्ण का कल्चर के बारे में ही बताएंगे नहीं, तो लाभ क्या है फिर। इसीलिए ये कार्य हमें करना है, जो बाकी विदर्भ में कर रहे हैं। विदर्भ में लोग धर्म समझकर अधर्म का शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो धर्म है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए सनातन संस्कृति के जो लोग हैं प्रयास ही नहीं करते। तो ये क्वेश्चन है, नॉट प्रेइंग गॉड बिफोर ईटिंग इज इट सिन? यस इट इज ए सिन। हम भगवान को खाने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये पाप है। ऐसा नहीं कि उनके धर्म में बताया गया है, उनका धर्म नहीं है, उनका अधर्म में बताया गया, ऐसा नहीं है। भारत का जो वैदिक संस्कृति है सबसे पुराना है, सनातन है, सृष्टि का प्रारंभ से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये लोग तो 1500 साल पहले आए हैं, जहाँ पे पेड़ उगता नहीं, जहाँ पे बारिश होता नहीं, पानी जहाँ पे मिलता नहीं, उस स्थान से आए हैं। ये लोग सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करना चाहिए, जैसे कि सनातन संस्कृति वाले को ये पता नहीं, और सनातन संस्कृति में ये बताया गया नहीं। सनातन संस्कृति में ये सब कुछ बताया गया है और करोड़ों साल पहले बताया गया है, किंतु हमने सिखा नहीं। तो गीता में भगवान कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोले, यज्ञ शिष्टा सिनः संतः मुच्यते सर्वकेल विषहि भुञ्जते ते तु आघं पापा
यपचन्ति आत्मकारणां। तो इस गीता में 3.13 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यज्ञशिष्ट आसिनः संतः, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु को अर्पण करके प्रार्थना करके जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, मुच्यते सर्व किल्विषय, वो व्यक्ति समस्त पाप से बच जाता है। भुंजते ते तो आघम पाप, भुंजते मतलब खाना, ते वो पाप खाते हैं, ये पचंती आत्मकारण, जो केवल अपने लिए ही बनाकर खा लेता है, भगवान को भोग नहीं लगाता है और खाने से पहले प्रार्थना नहीं करता है, वो पाप खाता है। इतना क्लैरिटी के साथ गीता में 5,000 साल पहले बताया गया है। 5,000 साल पहले क्या है, करोड़ों साल पहले बताया गया है। तो ये प्रार्थना है, ऐसा नहीं कि हमारा संस्कृत में इस प्रकार प्रार्थना लिखा गया नहीं, इस प्रकार इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है, लेकिन हम भूल गए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खाने से पहले प्रार्थना करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या खाते हैं, हम आहार नहीं खाते हैं, हम पाप खाते हैं, और पाप खाएंगे तो क्या होगा, भविष्य में प्रॉब्लम्स आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, चिंता आएगा, भविष्य अंधकार होगा, ये संसार का भविष्य और नेक्स्ट लाइफ। इसीलिए खाते समय पाप नहीं खाना है, खाते समय हमें भगवान को प्रार्थना करके खाना है और भोग लगा के भी खाना है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि बाहर का जो लोग है, विदेश में जो रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर भगवान के प्रति आकर्षित नहीं है। क्या कारण है, महापाप, इसके कारण आकर्षित नहीं होते। और भारत के लोग आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे बच्चे आकर्षित नहीं होते, उसका कारण क्या है, माँ बाप, इस प्रकार कहा जाता है। उधर महापाप, इधर माँ बाप, तो माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है, तो ये शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि इससे हम पाप से बचते हैं। क्योंकि संसार में जो भी अन्न हमें प्राप्त होता है और जिस माध्यम से हम धन प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हम पाप करते हैं, किसको पेन दे के ही इस संसार में कुछ प्राप्त करते हैं। इसीलिए वो पेन का रिएक्शन वो अन्न में है, वो भोग्य वस्तु में है, इसलिए वो रिएक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को अर्पण करके खाना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईटिंग विदाउट फूड इज सिन, बट व्हाई, तो कोई कहेगा आज तो पाप बता दिया मैंने, कोई कहेगा कि आहार में आहार तो हम खा रहे हैं लेकिन प्रार्थना नहीं की, ऑफर नहीं किए भगवान को, भोग नहीं लगाए, ऐसे ही खा दिए, तो पाप क्यों है, इसका कारण क्या है। तो ईशोपनिषद में कहा जाता है, मेरे पीछे आप लोग बोले, ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा क्रोध कस्य स्वेद धनम्। तो ईशोपनिषद में कहा गया है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है, वेद है, उसमें कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो पूरा संसार है भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है और भगवान का संपत्ति, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, किंचित कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ कण हो या बड़ा सा कुछ चीज हो, तो पूरा ब्रह्मांड हो या ब्रह्मांड का एक कण हो, यत किंचित जगत्याम जगत, ये जगत का हर चीज, जो कि चर हो या अचर हो, पेड़ हो या बाकी जीव हो, चरने वाला चलने वाला जीव जो मूवमेंट होता है, एनिमेटेड जीव, अनएनिमेटेड अचर जैसे कि पेड़ को, सब कुछ किसका है, ईशावास्यम भगवान का है, आपका बाप का नहीं है, किसका है, कृष्ण का है,
ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। तो सब मेरा बाप का नहीं है तो क्या करना है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, भुंजिता मतलब खाना, भोग करना, कैसे आपके लिए जितना रखा गया है कोटा उतना ही खाना, आपका प्लेट ही आपको खाना, दूसरा का प्लेट में खाना नहीं है, उठा के आपका प्लेट में जितना दिया गया है उतना ही खाना, उसको कहते हैं कोटा। तेना त्यक्तेना भुंजिता मा क्रोध कश्यश्चित धन, अन्य का जो धन है कोटा है उसके ऊपर आंख मत डालो, इस प्रकार कहा गया है, उसको प्राप्त करने के लिए व्यर्थ परिश्रम मत करो, लोभ मत करो। तो क्यों कहा गया है, क्योंकि आपका संपत्ति नहीं है, एक संसार होटल जैसे है, भोजनालय है, और भोजनालय में हम जाते हैं, भोजनालय किसका है, होटल का जो मालिक है, वहां पर रहने की व्यवस्था है और खाने की भी व्यवस्था है, वहां पर हम जाते हैं दो चार दिन एक दिन रहते हैं, जैसे हमने श्रुति क्या किया है, चार दिन रह के बच्चे लोग आए तो कुछ समय के जाते हैं, चार दिन रहते हैं और उसके बाद रिटर्न होते हैं। होटल आपका नहीं है, होटल का मालिक और कौन है, क्योंकि होटल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके हम खाते हैं, राइट ना। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार आपका नहीं है, संसार भगवान के द्वारा बनाया गया एक भोजनालय है, जहां पर हम लोग आए हैं कुछ दिन के लिए रहने के लिए, जैसे कि होटल का, होटल में रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, संसार में भी रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था है। होटल का मालिक कौन रहता है, ये होटल में वेटर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप जो होटल में जाएंगे इंटरेक्शन किसके साथ करते हो, मालिक के साथ करते हो, नहीं, जो वेटर रहता है खाना पीना देने की व्यवस्था करते हैं और जो रूम का व्यवस्था करते हैं, जो मैनेजमेंट है उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। वैसे ही संसार में हम जो अपने आप में इंटरेक्शन कर रहे हैं, वेटर है, भगवान के द्वारा बनाया गया वेटर है, जिसको हम कहते हैं पिता माता भाई बहन काका काकी दादा दादी टीचर पॉलिटिशियन जो भी हो, ये संसार सब लोग क्या है, कुछ तो सेवा करने के लिए ही है, लेकिन अंत में खाते हैं रहते हैं तब पेमेंट करते हैं ना, या ऐसे ही खा के भाग जाते हैं। जो पेमेंट नहीं करता है खा के भाग जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गुंडा कहते हैं, चोर कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं, राइट ना, ऐसे ही ना, इसलिए पेमेंट करना चाहिए। तो संसार से लाइट हमें मिल रहा है सूर्य देव के द्वारा, ऑक्सीजन मिल रहा है पवन देव के द्वारा, पानी मिल रहा है इंद्र देव के द्वारा, इस संसार में हर चीज जो आवश्यकता है भगवान हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस के द्वारा, लेकिन पेमेंट करते हैं हम लोग, तो पेमेंट नहीं करते तो कौन है, हम चोर है, गुंडे हैं, बदमाश है, डाकू है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। और जो चोरी करके खाता है, मालिक क्या करता है, पता चलता है ये चोरी करके खाया है तो मालिक क्या करता है, उसको जेल में भेजता है, दंड देता है। तो एक बार क्या हुआ, एक होटल में एक आदमी आया, एक भिखारी, भिखारी गया ताजमहल होटल में और खाना खाना शुरू कर दिया, ऐसा खाते खाते बहुत कुछ खा लिया, बाद में वेटर को, वेटर ने बिल दिया, उसको बिल 10,000 का हो गया, उसका पैसा ही नहीं था, मतलब मेरे पास पैसा नहीं, अरे पैसा नहीं तो इधर कैसे आ गए, ना भूख लग रहा था इसलिए आ गया, ना पैसा देना पड़ेगा था सर, मेरे पास है ही नहीं, तो पुलिस को बुलाया और भिखारी को पुलिस को दे दी। नेक्स्ट डे फिर से वो भिखारी आ गया होटल, वेटर देखा, अरे तुझे तो पुलिस को दिया था फिर इधर कैसे आ गया, बोला मेरे पास 100 रुपया था, तुझे दिया तो लिया नहीं तूने, मैं पुलिस को 100 रुपया दे दिया और मुझे छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ है पेमेंट करना अत्यंत आवश्यकता है, पेमेंट नहीं करते हैं तेन ये बसो, तो भगवान गीता में कहते हैं वो चोर जैसे। और पेमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा संपत्ति नहीं, तो भगवान को, भगवान के लिए पेमेंट क्या है,
आपके पास जो पैसा है वो भी भगवान का है, आपके पास जो घर है वो भी भगवान का है, आप जो खा रहे हैं वो भी भगवान का है, तो भगवान को पेमेंट क्या देगा? होटल भी भगवान का है, घर भी भगवान का है, और जो खाने के लिए जो लोग हैं उनको भी पैसा भगवान ही दिया है, तो मालिक को क्या देगा पैसा? वो फिर ले ले पैसा, बोलेगा नहीं, भगवान को पेमेंट क्या है? प्रार्थनाएं। भगवान का पेमेंट मतलब भगवान को प्रार्थना करना है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान को भोग लगा के खाना है, भगवान को धन्यवाद देना है, ये जनरली प्रार्थना है, इसको पूजा पाठ इसलिए कहते हैं। तो ये प्रार्थना अत्यंत आवश्यकता है। जैसे सरकार बहुत सारा फैसिलिटीज हमें देता है तो हम क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। टैक्स नहीं देंगे तो सरकार फैसिलिटी देना बंद कर देंगे, क्योंकि भगवान को टैक्स नहीं देते हैं फिर भी भगवान फैसिलिटी देते हैं। तो भगवान के लिए टैक्स क्या है? प्रार्थना करना, भगवान का नाम का स्मरण करना, ये भगवान के लिए टैक्स है। तो उधर पेमेंट है और इधर जो पेमेंट है भगवान का नाम स्मरण कर। इतना सस्ता पेमेंट भी हम नहीं करते, ये हमारा दुर्भाग्य है। महंगे से महंगे होटल में जाके खाएंगे हम, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा नाम स्मरण करो तो उतना पेमेंट भी नहीं देते। खाने से पहले प्रार्थना करो उतना भी हम नहीं करते, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा सस्ता एक्सचेंज करना, सस्ते में सब कुछ प्राप्त करना और कहाँ पर संभव हो नहीं सकता है, फिर भी हम इतना नहीं करते, तो शर्माना चाहिए ना हमें। भगवान को धन नहीं मांग रहे हैं और कुछ तो मांग नहीं रहे, जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान को खाने से पहले है भगवान आपने ये खाना दिया है मैं आपको धन्यवाद करता हूं, इतना बोलने में भी नहीं होता हमारा। तो इतना बेशर्म लोग संसार में रहेंगे किधर? हमें शर्म आना चाहिए। तो आज से खाने से पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना है मैं बताऊंगा, नहीं तो हम लोग एक जन के डाकू बदमाश चोर टेररिस्ट तो है, उसके साथ साथ बेशरम भी है। तो इसीलिए ये प्रार्थना अत्यंत आवश्यकता है, पर प्रार्थना नहीं करते हैं तो भविष्य का जो नेक्स्ट लाइफ है वो क्या होगा? कष्टदायक होगा, नरक में वास करेंगे, पशु शरीर में जाएंगे। पशु जो रहते हैं खाते टाइम प्रार्थना करते हैं, कुत्ता खाते टाइम प्रार्थना करता है, बिल्ली प्रार्थना करेगा, बाघ करेगा, पक्षी करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य भी प्रार्थना नहीं करता तो क्या है फिर? मनुष्य भी पशु जैसे हैं। तो मानवता जो है कृतज्ञता से स्टार्ट होता है, ह्यूमैनिटी बिगिंस विद ग्रैटिट्यूड। कृत मतलब किया हुआ, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, कार्य किया है, सेवा किया है, हेल्प किया है। ज्ञ मतलब याद करना, तो कृतज्ञता मतलब उसको याद करना। तो याद मतलब क्या है? धन्यवाद देना, ग्रैटिट्यूड अर्पण करना, कुछ सेवा करना, कुछ गुणगान करना। तो भगवान को याद करना चाहिए, हम इतने सब कुछ दे रहे हैं, यहाँ पर बैठे कितना लीटर ऑक्सीजन आपने लिया रहेगा अभी तक, कितना लीटर ऑक्सीजन आपने लिया रहेगा, कितना किलो खाया रहेगा, आप सोचिए कितना लाइट आपने लिया रहेगा धरती पे अभी तक का जीवन में, कितना पानी पिया रहेगा। कैलकुलेशन करें ना, दिन में 3 लीटर पानी पी रहे हैं, इतना साल से कितना तक पिया है, तो एक सागर बन जाएगा। इतने करोड़ों लाइफ में हमने पानी पिया है, एक सागर बन जाएगा। कितना खाया कैलकुलेशन करें, ये लाइफ में, लास्ट लाइफ में, करोड़ों लाइफ में, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत से भी बड़ा हो जाएगा, एवरेस्ट से भी ऊपर चला जाएगा उसका हाइट, है कि नहीं? फिर भी हम क्या कर रहे हैं? भगवान को प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। तो बेशर्म लोग हैं हम सब। जो लोग धर्म नहीं है, विधर्म को धर्म मानते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। और हमारे पास धर्म है, सब कुछ है, फिर भी हम इसको ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए प्रार्थना क्यों करना है?
क्योंकि सब कुछ भगवान का है, कृतज्ञता अर्पण करना है। देयर ह्यूमैनिटी बिगिंस विद ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता ही मानवता है। कृतज्ञता हमारा नहीं है तो मानवता नहीं है। इसलिए कृतज्ञता हमारा पिता माता के प्रति होना चाहिए और परम पिता जो है उनके प्रति भी होना अत्यंत आवश्यकता है। पता चल गया कि क्यों हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है करके शास्त्र में लिखा है, क्यों करना है वो भी लिखा है। अभी कैसे करना है मैं बताऊंगा, हाउ टू प्रे। तो खाने से पहले आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनो, नोट बनाओ, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ उसको सुनो, याद करके खाने से पहले ये प्रार्थना बोल के खाना है। नहीं तो यहाँ पर जो पिता माता है बैठे हैं, खाना देना ही नहीं, खाना देना बंद कर देने का। एक दो दिन खाना मत जाओ, प्रार्थना करेगा नहीं किधर जाएगा। प्रभु जी बोला किधर प्रार्थना, दिखाओ दिखाओ, है कि नहीं। फोर्स फोर्स करेंगे ही तो स्ट्रांग बनते हैं। कोई बिना फोर्स से शक्ति नहीं है, शक्ति डालेंगे तो शक्ति निकलेगा। आर्मी में जाते हैं ना सुलाते हैं क्या आपको, आर्मी में जाए मतलब कसरत करवाते हैं तो शक्ति बनता है। वैसे कैसे अपने आप बोलता है मैं थोड़ा करूँगा कर, नहीं उसके मेजर जनरल जो रहते हैं उनको क्या कर, वो लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती ये सब करवाते हैं। रोते हैं जो आर्मी में जाते हैं, कभी कोई सोचते हैं यहाँ पर आया क्यों, पता नहीं था मुझे, ऐसा मेरा फ्रेंड से, अरे तू अच्छा किया, वो इस्कन में चला गया आराम से खा के घूम रहे हैं। आर्मी में मैं आ गया, हम लोग पता नहीं ये सब हो रहा है, इतना कठिन जीवन है, करना पड़ता है। कैसे करते हैं अपने आप होता है फोर्स। वैसे ही इधर भी फोर्स होना चाहिए। तो हाउ टू प्रे, अर्जुन कहते पहले भगवान को प्रार्थना करने से पहले भगवान को थोड़ा गुणगान करेंगे। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुं। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कहते हैं परम ब्रह्मा परम ब्रह्म है, परम धाम आपका धाम परम है, पवित्रं परमं आप परम पवित्र हैं, पुरुषं शाश्वतं आप ऐसे पुरुष है परम पुरुष है जिसका कभी विनाश नहीं है, आप अविनाशी हैं। दिव्यम आपका शरीर जो है भौतिक से परीर है, परे है, आध्यात्मिक शरीर है, आपका शरीर आध्यात्मिक है, दिव्यम। आदि देवम आप समस्त देवता मनुष्य ऋषि जीव का आदि है, उद्गम है, आपसे सब कुछ उत्पन्न होता है। अजम आपका विनाश कभी नहीं होता है, विभू आप महान हैं। इस प्रकार अर्जुन प्रार्थना कर रहे, तो इसे इस प्रकार हमें भगवान को प्रार्थना करना है, गुणगान करना है, उसके पश्चात ये मंत्र पढ़ना है। गीता में 4.24 में इस मंत्र का भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभिः ब्रह्माग्रं ब्रह्मनाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिनः। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा, अभी जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो भगवान है, ब्रह्म है। अभी मतलब जो बटर डालते हैं ना यज्ञ में, घी हो बटर है जो भी हम देते हैं वो भी क्या है, ब्रह्म है। अग्नि जो है ब्रह्म है, और कुछ दान धर्म करते हैं हुतम वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मावेतन गंध इस प्रकार करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। जो गंतव्य है वो भी ब्रह्म है, वो जो कार्य है वो भी ब्रह्म है। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार भगवान का चेतना में हमें कार्य करना है, तब जो खा रहे हैं जो बनाए हैं जो भी संसार में कुछ कर रहे हैं सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए करते हैं तो सब कुछ ब्रह्ममय होता है। हमारा जो अंत में डेस्टिनेशन होता है, लक्ष्य होता है, वो भी भगवान के पास हम जाते हैं। इस प्रकार हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो इससे कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का ही, इस प्रकार हम भाव प्रकट करते हैं। उसके बाद ये श्लोक बोलने का, वर्स नंबर 15.14,
अहम वैश्वनर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान संयुक्तम् पचामि अन्नम चतुर्विधम्। तो गीता में भगवान कहते अहम वैश्वनर भूत्वा, मैं वैश्वनर अग्नि हूं, पेट में जो अग्नि रहता है ना, जठराग्नि जिसको कहते हैं, डाइजेस्टिव फायर, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। प्राणी नाम देहम आश्रित, पेट के भीतर हूं। प्राण अपान संयुक्त, अपान वायु प्राण वायु को मिलाकर उनके साथ उनको सहायता में करता हूं। कैसे क्या करने के? पचामि अन्नम चतुर्विधम, जो अन्न मनुष्य खाता है उस अन्न को मैं पचाता हूं, डाइजेशन करता हूं। तो डाइजेस्टिव पावर कृष्ण का है, भीतर बैठे हो डाइजेशन कर रहे। तो ये भगवान की महानता है। सूर्य सूर्य के रूप में भगवान क्या करता है, अपना शक्ति फल में देता है, और बाहर के जो अग्नि के रूप में उस फल को बॉयल करते हैं, खाना बनाते हैं, पका हुआ खाना हम लोग खाते हैं, और वो पकने के बाद पेट के भीतर जाता है, उसको भी पकाना है, तो कौन करता है? कृष्ण करता है। पेड़ में पकाता है कृष्ण, घर पे अग्नि के रूप में अपना बर्तन में पकाते हैं, और पेट में जाने के बाद वो कृष्ण ही पकाते हैं। लेकिन वो कृष्ण को हम भूल जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि कृष्ण हमें कभी नहीं भूलते, इतना दयावान है, गाली देते तो भी पेट में पकता है और जल्दी पक जाते हैं। ओके और घर पे अपना अग्नि में भी पकता है और पेट में भी पकता है। तो कहने का अर्थ है इतना सहायता भगवान कर रहे हैं, तो ये सहायता को याद करना है खाने से पहले, और उसके बाद ये मंत्र बोलना है, हरि दाता हरि भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति हरि विप्र शरीरस्तो भुंते भोजयते हरि। क्या है? हरि दाता हरि भोक्ता, ये जो अन्न हरि ने दिया है, अन्न क्या, सब कुछ हरि ने दिया है। हरि भोक्ता, इसलिए इसका भोग का अधिकार हरि के पास है, भगवान हरि कृष्ण के पास है। हरि अन्नम, ये जो अन्न है भगवान जैसे ही। हरिर विप्र शरीरेस्तु, ये शरीर जो है ये भगवान के द्वारा दिया गया है। भूमते भोजयते हरि, ये जो आहार भगवान को, भगवान के लिए है और भगवान ने ही प्रदान किए। तो इस प्रकार हम भगवान को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रार्थना पढ़ने का है रोज, है कि नहीं? खाने से पहले चम्मच हाथ में लेते हैं ना, चम्मच बाद में लेना, ये नोट पहले लेना, है कि नहीं? पेपर में लिख के हाथ में नोट रखना, उसके बाद चम्मच लेके खाना या हाथ में खाना, पढ़ना पहले। ओके, ये जनरल प्रार्थना है जो कि हमारा वैदिक सिस्टम से किया जाता है। बट आप इस्कन को फॉलो करना है आपको। इस्कन क्या करता है, तो ये प्रार्थना पढ़िए, महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासनैव जायते। तो ये प्रार्थना जनरल हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार महाभारत में कहा गया है, महाप्रसाद भगवान को अर्पण किया गया जो आहार है उसको महाप्रसाद कहते हैं। गोविंद भगवान कृष्ण, नाम भगवान का नाम, ब्रह्मणि वैष्णवे जो ब्राह्मण है और वैष्णव है, ये चारों को स्वल्प पुण्यवताम राजन, जो स्वल्प पुण्य वाले, जो पापी व्यक्ति हैं, विश्वास ना हो जाए, विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें महाप्रसाद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, गोविंद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? और ब्राह्मण के ऊपर विश्वास होना चाहिए, वैष्णव के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो विश्वास नहीं करते वो पापी है, और पापी लोग आपको सिखाते हैं कि आपको प्रार्थना करके खाना चाहिए। इसलिए बनाया मैंने ये पीपीटी, इतना डिटेल्स में हम कभी नहीं बताया। वो प्रेरणा फर्स्ट में प्रेरणा लिया उनसे, कुछ है ही नहीं उनके पास,
बट इतना डिटेल में तो थोड़ा बताया, अच्छा शास्त्र में बहुत सारा वर्णन है, इतना तो हम लोग करना चाहिए। उसके बाद ये बंगाली प्रेयर भक्तिनोद ठाकुर ने लिखे हैं, तो आपको संस्कृत नहीं जम रहा है तो इसको उनका कीजिए, उसको आप कीजिए। शरीर विद्या जाम जड़ेन्द्रिय ताहे काम, जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जिभाति, लोभ माया सुदूरमति, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करीवारे जिभाजया, स्वप्रसादन दिलोभाय से अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य निताई। तो ये मंत्र आपको पढ़ना है, उसके बाद भगवान को धन्यवाद देना है कि आपने मेरे लिए भोजन दिया है, मुझे सब पाप से रक्षा कीजिए और ये खाने के लिए आप परमिशन दीजिए। इस प्रकार मन में विचार करके आपको लेना है। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जो भी आप कर रहे हो मुझे अर्पण करो, इस प्रकार 9.27 में कहते हैं, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहिहसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यद करोषि यद अश्न, जो भी करते हो, यद अश्न जो भी खाते हो, यद जुह्यसि जो भी कुछ हो और अफर करते हो, ददासि यत जो दान धर्म आप करते हो, यद तपस्यसि जो तपस्या करते हो, कौन्तेय हे कुंतीपद तत्कुरुष्व मदार्पणम्, मुझे अर्पण करके ये सब करो। तो बाकी सब तो करना है, एटलीस्ट पहला खाना तो अर्पण करो, बाकी आगे जाके घर बार सब अर्पण करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि भोजन अर्पण करके प्रार्थना करके हमें लेना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब करेंगे तो क्या होगा, भगवान कहते हैं पाप से मुक्त होता है, शुभ विचार आता है, अशुभ से मुक्त होता है, जीवन शुभमय बनता है। इसीलिए हमें ये अर्पण करके करना चाहिए। तो घर पे आप लोग इतने दिन जा रहे हैं हरे कृष्णा में, आपके घर पे किसका घर में फोटो है भगवान कृष्ण का, अल्टर है, रेज योर हैंड। हाँ, सबके घर पे। तो कल से आपको भोग लगा के खाना है, नहीं तो भूखा रहना है, ठीक है। भोग लगाना, जो बना रहे हो भोग लगाओ भगवान के, नॉन वेज मत लगाओ। और आगे बताऊंगा मैं क्या लगाना क्या लगाना नहीं चाहिए। यहाँ पर नॉन वेज कौन कौन खाता है, हाँ ठीक है, जिस दिन नॉन वेज बनेगा उस दिन मत लगाना, ओके। प्रभु आप प्रभु जी बोला तो भोग लगाए खाना, ये भी मैं लगा देता हूँ, नहीं चलेगा, ओके। जो जिस दिन आप वेजिटेरियन बना रहे हैं उस दिन बनाओ, और कुछ तो वेजिटेरियन बनाते रहेंगे ना रोज, तो लगाओ एटलीस्ट, वो लगा के खाना है। मैं खाने से पहले प्रार्थना में मैं बताया है, तो भोग लगा के आपको खाना है, जो भी राइस दाल सब्जी है एक प्लेट में रखो और भोग लगाओ। और भोग लगाते टाइम क्या मंत्र पढ़ना है, ये मंत्र पढ़ना है, नमः ब्रह्मण्य देवाय भो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये मंत्र भोग रखना है और ये मंत्र पढ़ना है। कुछ मंत्र नहीं आते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान ने कलयुग में हरेर नाम ही केवल बोला, क्यों, ये लोगों को कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए हरेर नाम ही केवल। तो कहने का अर्थ है भगवान को ऐसा अर्पण सिंपल है ना, इतने ही हम नहीं करते हैं,
तो हम चोर नहीं, हम बेशर्म चोर हैं। चोर को भी थोड़ा तो शर्म आता है कभी कभी। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार हम भोग लगा के, कल से कौन कौन करने वाला है घर पे? पिता माता यहां पर दे, खाना पीना बंद कर देने, हाथ उठे है नहीं है कि नहीं? सबको करना है ऐसा। खाना बनाने के बाद, खाना बनाना 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो जाएगा, प्रभु जी भूख लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अरे 4 घंटा खाना बना दिया, 10 मिनट को भोग लगाने के लिए टाइम मिलता नहीं। ये दुर्भाग्य हमारा, इच्छा शक्ति नहीं हमारे पास, इसलिए भोग लगा के हमें खाना चाहिए। भोग नहीं लगाते हैं तो पाप खाते हैं, उससे रोग होता है और भव रोग भी होता है। व्हाट टू ऑफर, वो तो बता दिया। हम प्रार्थना करते हैं खाने से पहले, गॉड को प्रार्थना करके खाते हैं, लेकिन क्या खाते हो आप, क्या प्रार्थना करते हो आप लोग? सब कुछ खाते हो, मांस भी खाते हो, गाय का मांस भी खाते हो, और प्रार्थना करते हो गॉड को। इसका अर्थ तुम्हारा गॉड भी गाय का मांस खाता है, मांस खाता है। तुम्हारा गॉड वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? ना, हमारा गॉड नॉन वेजिटेरियन है। आपको लग रहा है गॉड है और नॉन वेजिटेरियन है? गॉड मांस खाता है। तुम लोग प्रार्थना करता है ना, क्या करता है प्रार्थना? तू भी खाया मांस, मैं भी खाता हूं, इसका अर्थ ऐसे हुआ ना, तू जो दे रहे हो वही खा रहे हो। तो गॉड इज ए मीट ईटर, अपने बच्चे को मार के भगवान खाता है? तुम जिसको भगवान बोलता है तुम्हारा इमेजिनेशन में है, सचमुच तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा होता है क्या? क्वेश्चन पूछा उनको, गॉड इज ए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो नॉन वेजिटेरियन कैसे गॉड होगा? अपने बच्चे को ही मार के खाएगा? अपने बच्चे को जो मार के खाता है उसको पिशाच कहते हैं, उसको राक्षस कहते हैं, उसको सर्प कहते हैं, उसको तो गॉड नहीं कहते, उसको तो भगवान हम नहीं कह सकते। क्या तुम्हारा भगवान के पास इतना सेंसिटिविटी नहीं है क्या? इतना भावनात्मक नहीं है, संवेदनशील नहीं है? रूला के मार के खाता है, पैदा करता है मार के खाता है, ऐसा भगवान है? दया की भावना नहीं है, निर्दयी है ये भगवान? ही गुंडागर्दी करता है ये, कोई आतंकवादी? ये हमें क्लैरिटी होना चाहिए। प्रार्थना करते हैं हम, पर खाता क्या है, खाते क्या हो, वो क्लैरिटी होना अत्यंत आवश्यकता है। तो इतने जीव जंतु को मार के खा रहे हैं, इवन गाय को भी मार के खा रहे हैं। गाय क्या है? सबका माँ बाप है। जब किस संतान का माँ मर जाती है तो गाय का दूध से उसका पोषण होता है, इसलिए गाय केवल हमारा माँ बाप नहीं, हमारा माँ बाप का भी माँ बाप है, उसका माँ बाप का भी माँ बाप है। संसार का माँ बाप मतलब क्या है? गाय है। पूरा हर व्यक्ति के ब्लड में जो जो शरीर में शक्ति है, जो ब्लड है, उसके भीतर माँ का, गो माता का दूध बहता है, और उसको ही मार के तुम लोग खा लेते हो। इतना भावनात्मक नहीं, इतना विचार नहीं, और बोलते हो कि हमारा ये धर्म है। साधारण साधारण चीज का, साधारण चीज जो है मोरालिटी है, साधारण मोरालिटी है, उसका उसको भी आप जानते नहीं, और कहते हैं कि हमारा भगवान ये है वो है, ऐसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। माँ को मार के खा लेता है तुम्हारा भगवान, कैसे हो गया वो भगवान? अब ध्यान से देखेंगे कि गाय शरीर संसार का पोषण करता है, गाय से बैल आता है और बैल खेती करता है, खेती से हमें ग्रेन्स मिलता है, अनाज मिलता है, हम अनाज को खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फल खाते हैं, और शरीर में शक्ति आता है। गाय से ही मिल रहा है, दूध भी दिया, दही भी दिया, छाछ भी दिया, बटर भी दिया, घी भी दिया, खाना बनाने के लिए गोबर का क्या बोलते हैं, काउडंग, गोबर का कैंडी है कि नहीं, कुछ भी हो, खाना बनाने के लिए फूल से गाय से आ रहा है, खाना बनने के लिए खाद भी गाय से आ रहा है, सब कुछ तो गाय से आ रहा है। आजकल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलते, ऑर्गेनिक मतलब क्या है? ऑर्गेनिक
गाय का गोबर, गाय का यूरिन, ये ऑर्गेनिक। तो गाय का वैल्यू आप क्या सोचिए कितना है। कोई बोला नहीं प्रभु जी हम तो ट्रैक्टर से खा रहे हैं आजकल खाना, ट्रैक्टर बनाता है खेती, तो अभी गाय बैल नहीं करते हम, ट्रैक्टर चला के ये सब करते हैं। अरे तुम्हारा पेट में जो जा रहा है ट्रैक्टर से आ रहा है, लेकिन तुम्हारा माँ बाप का जो पेट में गया वो किसका है? ट्रैक्टर से आया था, वो बैल से ही आया था। और ट्रैक्टर कितना दिन का है? पेट्रोल खत्म, ट्रैक्टर खत्म, बैल के शरण में आएगा ना। इसीलिए गाय हमारा माता है, इसलिए भगवान कहते हैं कृषि वाणी जो गो रक्षा, गाय का रक्षा के बारे में बात करते हैं, गाय पालन के बारे में बात नहीं करते। गाय हमारा पालन करते हैं, हम गाय का पालन नहीं करते। आप गाय को छोड़ देंगे तो खुशी से जिएगा, वो अच्छा हरा भरा घास खाएगा। तो गाय का दूध से हम जीवित हैं, गाय के द्वारा शरीर का पोषण हो रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गोचारण लीला के द्वारा ये बता रहे हैं कि गाय आपका रक्षक है। इसलिए गाय का रक्षा करेंगे तो आपका रक्षा होगा, गाय का रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा विनाश होगा। इसलिए गाय को माता माना जाता है। इतना सेंसिटिविटी नहीं है क्या तुम्हारा गॉड के पास जो गाय को मारने के लिए कहता है? लेकिन सनातन संस्कृति में जो वर्णन है गीता में, भगवान कहते हैं क्या चाहिए उनको? पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान क्या मांग रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम्, पत्र चाहिए मुझे, पुष्प चाहिए, फल चाहिए, तोयो मतलब जल चाहिए। कैसे चाहिए? यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए उसमें। तदहम भक्ति उपहृतम, मैं वो भक्ति को ग्रहण करता हूँ। अस्नामि प्रयतात्मनः, खाता हूँ मैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल जो देता है, यहाँ पर भगवान नहीं बोल रहे हैं अंडम मछलिम मांसम ये सब मुझे दो करके, डायरेक्ट वेजिटेरियन वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भगवान का डिमांड है। और तुम्हारा गॉड मांगता है ये मांस चाहिए, बकरी का मांस चाहिए, गाय का मांस चाहिए, मछली चाहिए, तो ये भगवान ही है राक्षस है। तो हमें ये सोचना अत्यंत आवश्यकता है। तो इसी प्रकार लोग क्या करते, फॉलो करते हैं उनका सिस्टम को, बट हमारा सब कुछ प्योर है फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य। इसीलिए हमें अपना संस्कृति को जो है ठीक से फॉलो करने के प्रयास करना चाहिए। तो कोई पूछेगा प्रभु भेज और नॉन वेज में अंतर क्या है इतना, अपनी इच्छा से हम खाएंगे तो थोड़ा अंतर हम देखेंगे कि भेज और नॉन भेज उसमें सुपीरियर क्या है, अच्छा क्या है। मेडिकल साइंस कहता है कि वेजिटेरियन फूड और नॉन वेज फूड में अंतर क्या है, तो वेजिटेरियन फूड आप देखेंगे उसमें प्रोटीन अधिक रहता है, शक्ति भी उसमें अधिक है, पर नॉन वेज जो फूड है उसमें प्रोटीन जो है वेजिटेरियन फूड से कम है। सोयाबीन पता है ना, सोयाबीन में अधिक प्रोटीन है मांस से, और जो भी दाल हम खाते वहाँ पे उसमें अधिक प्रोटीन है मांस। इसलिए आपको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो वेजिटेरियन फूड सफिशियंट है। ऐसा कुछ अलग से आपको नॉन वेज खाने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रकार की प्रोपागेंडा है नॉन वेज खाना पड़ेगा, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। जब से नॉन वेज ज़्यादा लोग खाने लगे तब से ही लोगों का आयु कम होने लगा, रोग बढ़ने लगा। तो ये सब मन की भ्रांति है, तो ये क्लैरिटी हमारे पास होना अत्यंत आवश्यकता है। और बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज वेजिटेरियन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वेजिटेरियन है, दिमाग चलता था ना उसका, या मांस खाने के बाद दिमाग चला उसका, अल्बर्ट आइंस्टाइन वेजिटेरियन, अनुष्का शर्मा डांस करती है, एडवर्टाइज में भी आती है, और विराट कोहली के पत्नी है फिर भी वेजिटेरियन। सीरीना विलियम्स जो कि टेनिस प्लेयर है वेजिटेरियन है, विल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति वेजिटेरियन है, लियोनार्डो विनिस पेंटर्स
फेमस पेंटर, वो भी वेजिटेरियन है, ये पॉल मैककार्टनी, मैककार्टनी, ओके ना, वो भी वेजिटेरियन, म्यूजिशियन है, फेमस म्यूजिशियन। तो बड़े बड़े, मैं क्या सबको नाम इधर रखो क्या, करोड़ों नाम, तो बड़े बड़े पर्सनैलिटी जो हुए हैं वो भी वेजिटेरियन है, फेमस वेजिटेरियन पर्सनैलिटीज। हमारे इतिहास में जो भी जाएंगे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद, महान बलवान लोग हैं, वेजिटेरियन है। महाराणा प्रताप का तलवार, कवच, मुकुट, ये सब 275 kg से अधिक द्रव होता था, वो वेजिटेबल खा के ही शक्ति प्राप्त करते थे, और उससे सब उठा के युद्ध करते थे, वो एक ही तलवार में सबको काटते थे, मारते थे, पता है ना कहाँ से आया शक्ति, अंडे से आया, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, बाद में पड़ेगा यमराज के दंडे। तो वेजिटेबल है, वेजिटेबल में शक्ति, शिवाजी महाराज इतना पावरफुल कहाँ से हुए, वेजिटेरियन बन के। इधर हमारा अनिल गोचिकर, ये पूरी का पंडा है, उसका बड़ी देख रहे हो ना कैसे है, वेजिटेरियन आहार से। तो इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार नहीं, वेजिटेरियन जो है उनके पास शक्ति नहीं रहता है। ये ब्रह्म है, खाने की तुम्हारा इच्छा है, जीवा की इच्छा है, मजा करने की इच्छा है, टेस्ट चाहिए, बाकी में भी टेस्ट है, मैं आगे बताऊंगा ये सब। थोड़ा फेमस रेसलर्स, बटिस्टा, सामी जया, जेक सबरे, ब्री बेला, ये दो बहनें और रेसलर्स है, फिर भी वो कौन है, वेजिटेरियंस। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग हुए जो वेजिटेरियन है। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर किम ए विलियम्स MD, वो भी वेजिटेरियन है। टी कोलिन कंबेल PhD इन मेडिसिन, ही इज ऑल्सो वेजिटेरियन। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है जो वेजिटेरियन, ये तो मनुष्य है, लेकिन बुद्धिमान पशु भी देखिए, हाथी क्या खाता है, मांस खाता है, वेजिटेरियन है, बल है उसके पास, सबसे ज़्यादा बल हाथी के पास, घोड़े के पास सबसे ज़्यादा बल है, और बैल के पास सबसे ज़्यादा बल है। तो ये बैल, घोड़े, इसको यूज किया जाता है ना, मनुष्य बाघ को यूज करता है, क्यों नहीं करता है कि हमें खा लेगा, नहीं उसके वो काम नहीं करेगा, बाघ काम नहीं करेगा, क्यों, उसके पास बल नहीं, वो खाने का ही बल है उसके पास, काम पे लगा देगा तो सो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि वेजिटेरियन जो है उसमें शक्ति है, ओरिजिनल शक्ति तो वेजिटेबल में है। जो नॉन वेज भी जो पशु खाते हैं, बाघ मान लो हिरण को खाता है, तो हिरण क्या खाती है, घास खाता है, वो भी वेजिटेरियन है ना। तो ओरिजिनल शक्ति वेजिटेबल्स में है, और वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार नहीं है कि वेजिटेबल्स में एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, सब कुछ है, बट इस प्रकार की प्रोपागंडा किया गया है। तो कोई कोई प्रश्न पूछेगा, अरे प्रभु जी हम वेजिटेबल भी खाएंगे तो पेड़ पौधे को भी काटते हैं ना, मारते हैं ना, वो भी समान है क्या, वो भी मरते हैं, पशु को भी मारना सेम है, आपको सेम लग रहा है, पेड़ को काटना और जीव को काटना, तो मनुष्य है या मुर्दा आदमी है, ये प्रश्न करता है। कोई मुर्दा को भी पूछेगा तो उसको पता चलेगा कि पेड़ पौधे को काटना और साधारण जीव को काटना कुछ फर्क रहता है। वृक्ष, वृक्ष शब्द का अर्थ क्या है, वृक्ष, क्ष मतलब काटना, वृ मतलब विशेष रूपेण क्ष, जिसको काटने के लिए ही बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, उसको बनाया गया काटने के लिए। वृक्ष का ब्रांचेस से काटते हैं, वृक्ष मर जाता है, पेड़ मर जाता है, बढ़ता है ना ब्रांचेस, कोई भी ब्रांचेस का, तो पत्ता निकाल दो, फूल निकाल दो, फल निकाल दो, फिर फल आता है, फिर फूल आता है, फिर पत्ता आता है, फिर ब्रांचेस आता है, तो मर गया वो नहीं, वो काटते समय रो रहा है, चिल्ला रहा है, मत काटो मत काटो, नहीं, उसको पेन होता था तो फिर से क्यों आता है, उसमें फूल, उसमें ब्रांचेस फिर से क्यों आते हैं, पेन नहीं होता है उसको, भगवान ने इसे बनाया है, पेन रखा ही नहीं उसमें। जैसे हम नाखून काटते हैं तो पेन होता है नहीं, बाल काटते तो पेन होता है, वैसे वृक्ष काटेंगे तो पेन होता ही नहीं,
ये साइंटिस्ट लोगों ने अपना दिमाग भेज नॉन वेज को सेल करने के लिए बोलते हैं, वृक्ष भी काटते हैं तो उसको भी पेन होता है। अरे पेन होता है तो फूल निकालने के बाद दूसरा फूल कैसे होता है? फूल का पेड़ को काटेंगे तो अच्छे फूल आता है, कैसे आता है? थोड़ा लॉजिक लगाओ, पता चलेगा। पेन नहीं होता, जैसे बाल काटते हैं पेन होता है क्योंकि बाल बढ़ता है, वैसे ही इसे ये वृक्ष है, ट्रीज है। आपका हाथ को काट लेंगे दूसरा हाथ आता है, आपका सर को काट लेंगे दूसरा सर आएगा, नहीं आएगा। ब्लड निकलता है आपका, उधर से ब्लड निकलता है। बाकी जीव में मनुष्य और ये सब में सेम है, मनुष्य और बाकी जो जीव है। इसीलिए वेजिटेरियन फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें हिंसा करते हैं जब नॉन वेज खाते हैं। और सिर्फ केवल उसको मारते हैं, मतलब को जीव को जो मारते हैं उसका इमोशन को भी मारते हैं, उसका भी रहेगा ना। कोई बकरी को मार के खा रहा है, गाय को मार के खा रहा है, उसके भी संतान है ना, उसके भी प्रेम है ना, भावना है ना। तो प्रेम को मारते हैं, भावना को मारते हैं, स्नेह को मारते हैं, उसको दुख देते हैं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे, इमोशनली देखेंगे तो भी हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। थोड़ा प्योरिटी के बारे में आप देखो, पवित्रता क्लीनिनेस के बारे में देखो। जो मांस है वो अनक्लीन है, अमेध्यम भगवान कहते हैं, अमेध्यम अनटचेबल, छूने का नहीं उसको, लेकिन उसको हम चाऊ चाऊ खाते हैं, सही कि नहीं? देखेंगे तो अच्छा लगता है, उसको देखेंगे तो मजा आता है नहीं? और कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, प्योरिटी बारे में बता रहा हूँ मैं, तो देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। मछली लेके आता है ना मार्केट से, पालघर का मच्छी मार्केट में सब लोगों ने क्या रहेगा, मजा आता है मच्छी मार्केट, जबरदस्त, क्या पास है यार, ऐसा लगता है नहीं? ऐसे रुमाल लेके पकड़ के, अरे दे दे एक किलो दे दे, और उसको घर पे लेके आते, बड़ा मैंने अति पेन से उसको ठीक ठाक करते हैं और काट के उसमें मसाला डालते हैं, मसाला डाल के खाते हैं। मसाला क्या है? वेजिटेरियन है, पेड़ पौधे का प्रोडक्ट है। वो डालने के बाद जो स्मेल आता है ना, मसाला का स्मेल है, वो स्मेल मजा था, जबरदस्त। और खाने के बाद जो टेस्ट आता है कहां से आता है? मसाला का टेस्ट है। आप बोल रहे हो ना मांस खा रहा, बिना मसाला का खाओ, बॉयल करके, जैसे राइस बॉयल करके खाते हैं ना, दाल बॉयल करके खाते हैं, मांस भी खाली बॉयल, उल्टी हो जाएगा, तुमको खा नहीं पाएगा, क्योंकि खाने का योग्य चीज नहीं है वो, अमेध्यम अनटचेबल। खा के देखो, तुम बोल रहे हो भगवान भी हमें दिया है, बॉडी दिया है, लेकिन नहीं, मांस खाएंगे तो क्या पक्का हुआ हम खाएंगे? खाली बॉयल कर, उसमें तुम मसाला क्यों डालता है जो कि वेजिटेरियन है, पेड़ पौधे से आया है। तो इसका अर्थ ये प्रमाण करता है तुम्हारा शरीर मांस खाने के लिए बना नहीं। कोई बोलता है प्रभु जी हमारा कैनिन है ना, कैनिन ये जो दांत थोड़ा थोड़ा पॉइंटेड दांत दो है ना, वो दिया है इसलिए हम खाएंगे। बाघ का भी है, हमारा भी है, ठीक है। बाघ कैसे शिकार करता है? तलवार लेके जाता है जंगल में, या बंदूक लेके जाता है, सीधा क्या करता है, एनिमल के ऊपर झपट जाता है और उसको दांत में पकड़ कर उसका मांस निकाल देता है। तुम भी करो ऐसा, एक बकरी को पकड़ो, अपना कैनिन में कितना ताकत है थोड़ा दिखाओ, बकरी को मारो, बकरी तुमको मार देगा। बकरी के पास जितना शक्ति है तुम्हारे पास उतना शक्ति नहीं रहेगी, कैनिन तुम्हारा निकाल जाएगा। तो कहने का अर्थ है, बोला कैनिन है हमारे पास, दांत पॉइंटेड है। पॉइंटेड किस लिए? गन्ना खाने के लिए, ओके। पॉइंटेड मांस नहीं खा सकते, मार के खाना छोड़ो, खाली मांस लेके पॉइंटेड नाक दांत से निकालो, तुम्हारा दांत निकल जाएगा। कैनिन का कुछ काम नहीं, कैनिन कांट डू एनीथिंग। तो कहने का अर्थ है, आपका शरीर भी देखेंगे ना मांस के लिए बना नहीं। प्रभु पेट है हमारा, पेट नहीं, साइंस ही कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं हमारा इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है। जब डाइजेशन मांस खाते हैं उसको 2-3 दिन लगता है डाइजेशन के लिए, और सड़ा हुआ पड़ा हुआ रहता है उधर, इससे ज़्यादा कैंसर होता है, बाकी डिजीज बढ़ता है। ज़्यादातर हार्ट डिजीज का मेन कारण है जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड जब हम खाते हैं। तो इस प्रकार आप प्योरिटी देखेंगे, इस प्रकार आप वृक्ष को, वृक्ष का जीवन और हमारा जीवन के भीतर
थोड़ा पार्थक्य को देखेंगे और स्ट्रेंथ को आप देखेंगे। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब अरे प्रभु बल आएगा, तो आपको दिखाया मैंने ओके ना, बल किसके पास है। तो इस पर सबको विचार करके आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है ये जो आहार है, नॉन वेज का आहार है मनुष्य के लिए बना नहीं, और उनका गॉड नॉन वेज खाता है। तो हो सकता है भगवान नहीं हो सके, सिंपल लॉजिक है। बट ये सब चीज़ हमारे पास है फिर भी हम समझते नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए शास्त्रों को हमें ठीक से जानना है, पढ़ना है, और स्पेशली पिता माता जो है अपना संतान को ठीक से ट्रेनिंग देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुभ प्रभात की।